सर हम लोग जो है सब नागपुर में फंसे हुए हैं, बिहार जाना चाहते हैं। हम लोग को बुलाया गया था कि आज ट्रेन है, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, सब मजदूर लोग पहुँचे हैं, काफ़ी भीड़ तादाद में थे हम लोग, जब हम लोग पहुँचे तो बोले कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, आप लोग नहीं जा सकते, आपके बिहार सरकार बुलाना मना कर दिया, नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जब तक बिहार सरकार गाड़ी नहीं दे देती हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। रूम मालिक भी हम लोग को निकाल दिए, अब वापस नहीं ले सकते, हम लोग को वापस जा भी नहीं सकते, खाने पीने का भी इंतजाम कुछ नहीं है, तो हम लोग का अभी यहाँ पर बैठेंगे जब गाड़ी देगा, जब हम यहाँ से जाएंगे। मैं अभी चौकी में आ चुका हूँ और जो मकान मालिक है मैं उनसे बोल के आया हूँ कि मेरी गाड़ी है आज की, मैंने खाली कर दिया घर को और अभी कोई व्यवस्था नहीं है जाने का, अगर यहाँ से अगर हम जाए भी तो कहाँ जाए, घर मालिक तो लेंगे नहीं, मोहल्ले वाले भगाएंगे, तो फिर कोई व्यवस्था है नहीं रहने का, कोई सुविधा दे सरकार या चौकी में ही रहने का सुविधा दे, हम लोग अपना स्थान बना के वहाँ रहे ताकि कोई भी चीज़ खाने का हो या पीने का हो कोई इंतज़ाम मिले ताकि हम लोग को तसल्ली हो। रमज़ान में ऐसी मारामारी चल रही है, पानी की, भूख की, अफ्तार की, हर चीज़ की परेशानी है और धूप इतनी है कि मतलब हम लोग प्यास भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, रोज़ा रख के भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो भूखा पेट में कैसे अब या धूप में मरेंगे। सरकार की खुदकुशी, हम लोग खुदकुशी यहीं पे कर ले तो हम लोग यही करेंगे फिर, क्योंकि हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो सुविधा है वो हमारी मांग पूरी कर दे, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते अपनी सरकार से।